अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ई ट्यूशन उर्दू। स्टैंडर्ड फोर्थ के उर्दू सब्जेक्ट में नज़म नंबर 17 है, हमारे पड़ोसी। तो आज इस नज़म के सवाल जवाब देखेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, शायर के पड़ोसी कैसे हैं? तो जवाब है, शायर के पड़ोसी सीधे सादे हैं। सवाल नंबर 2 है, शायर अपने पड़ोसियों को कब से जानता है? जवाब देख लेंगे, शायर अपने पड़ोसियों को कई सालों से जानता है। सवाल नंबर 3, पड़ोसी एक दूसरे के काम किस तरह आते हैं? तो इसका जवाब है, पड़ोसी ज़रूरत पड़ने पर चीज़ों का लेन देन करते हैं, इस तरह एक दूसरे के काम आते हैं। सवाल नंबर 4 है, शायर ने पड़ोसी बच्चों के बारे में क्या कहा है? जवाब, शायर ने पड़ोसी बच्चों के बारे में कहा है कि बच्चे तरीकों और सलीकों में बेहतर हैं और आपस में झगड़ते नहीं, न रूठते हैं, न गुस्सा दिखाते हैं, सब एक साथ खेलते और मुस्कुराते हैं। सवाल नंबर 5 है, शायर कैसे पड़ोसियों के लिए दुआ कर रहा है? जवाब है, शायर खुशी और गम में साथ निभाने वाले सीधे सादे पड़ोसी के अता होने की दुआ कर रहा है। सवाल जवाब हो गए, अब है ज़िदे लिखिए। पहला है खुशी, तो खुशी की ज़िद होगी गम। फिर है इज्जत, तो इज्जत की ज़िद है ज़िल्लत। हंसना, रोना, दुख, सुख, रूठना, मनाना, खुशी, गम, इज्जत, जिल्लत, हंसना, रोना, दुख, सुख, रूठना, मनाना। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।